मेरी बेटी क्रोध करती है, चिड़चिड़ करती है, ये माता पार्वती जो क्रोध कर रही है, ये पूर्व जो पिता के घर में गई थी, पिता ने अपमान करा था, बहनों ने अपमान करा था, भाइयों ने अपमान करा था, परिजनों ने अपमान करा था, वो अपमान सती के दिल में भर गया था, वो अपमान आज तक सती के दिल में है, और ये अगला जन्म ले ली वो अपमान आज तक भूल नहीं पाई है, इसलिए चिड़चिड़ कर जाती है, क्रोध कर जाती है, वो अपमान आज तक नहीं भूल में। पार्वती अगर एक शिव की आराधना करते करते भगवान शंकर के नाम को पुकारती हुई शिव की पूजन कर ले, शिव की पूजन आराधना कर ले, पूर्ण वर्ष भी श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर पूर्ण वर्ष भी अगर पूजन कर ले, तो फिर वो पार्वती जो पूर्व का उसका अंदर जो सती के समय का अपमान भरा हुआ था वो सब पूर्ण वर्ष भूल जाएगी, और पार्वती शंकर की आराधना में इतनी डूब जाएगी कि शिव उसको दर्शन देंगे। आज निवेदन करूंगा जिस जिस घर में बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हो, बहुएं चिड़चिड़ कर रही हो, परिवार में कहीं क्लेश बना हुआ है, जब आप 2 अगस्त को शाम को 7 बजे शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन बैठो पूजन करने के लिए, आपके नगर से कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आपके साथ बैठे हो, वो पूजन करा रहे हो, और अगर कोई ना मिले तो आप स्वयं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब ऑनलाइन पूजन कर रहे होगे, उस जगह पर आपकी पूजन की सामग्री में लिखा है एक धतूरे के पीछे के बाद में, क्योंकि ये जो सोमवार से सोमवार तक का सावन आया है ये 72 वर्ष के बाद आया, आपको कलकत्ता में कहा, इसके पीछे के भाग में यदि पीला चंदन लगाकर अग्र भाग में लाल चंदन लगाकर आप जिस समय पर पूजन करेंगे और धतूरा चढ़ाने का समय आए उस समय पर जब आप समर्पित करेंगे, तो ये भाव से समर्पित करें कि हमारे घर में जो क्लेश है वो समाप्त करें भोलेनाथ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर वो धतूरा भगवान देवदत्त महादेव को समर्पित करिए, उसका फल फिर हमें बताना कि उसका फायदा मिला कि नहीं। एक धतूरा, एक बेलपत्र का भी फल, एक लोटे जल का भी फल, ये सोमवार